तो नमस्कार, इस वक्त मैं दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड में हूँ और यहाँ पे लालगंज पंचायत में यहाँ पे एक स्कूल का निर्माण हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत दिन से स्कूल बंद थी और मैं यहाँ पे, और फराज फातमी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। स्कूल के बारे में यहाँ पे देखने के लिए आए थे और DM साहब भी यहाँ पे आए थे, उनसे कुछ बातचीत किए थे। इनके बारे में आपसे थोड़ा ये पूछना चाहूँगा मैं कि ये कब तक स्कूल चालू होगी, और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं स्कूल में भूसा वूसा रखे हुए हैं, इसके बारे में भी आप उनसे बातचीत किए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, स्कूल कब तक चालू होगा? देखिए, ये स्कूल जब हमारे पिताजी शिक्षा मंत्री थे उसी ज़माने में इस स्कूल को सैंक्शन किया था। साथ ही साथ इसके बगल में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय भी है, हर ब्लॉक में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय और इस स्कूल को सैंक्शन किया गया था। इसको कहीं और भी शिफ्ट होने की बात हो रही थी लेकिन हमारे पिताजी ने यहीं इसको लाने का काम किया। अब 2007 से 2019 में हम लोग हैं, तकरीबन 12 साल हो गया, और 12 साल से बहुत ही अफसोस की बात है, कई मर्तबा मैं इस इलाके से गुजरा हूं और अभी मैं विधायक के रूप में भी यहां पे हूं, जब स्कूल को देखता हूं तो रोना आता है जी। करोड़ों की प्रॉपर्टी और नई बिल्डिंग बन के तैयार होने के बावजूद बच्चों के इस्तेमाल में नहीं आ रही है, यहां के लोगों के इस्तेमाल में नहीं आ रही है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने कोशिश किया, मैं धन्यवाद देता हूँ DM साहब को, एक ही बार एक ही रिक्वेस्ट में उन्होंने मेरी बात को माना। हमारे इफ़ेक्टिव DM साहब हैं और तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा और मैं खुद चल के इसका निरीक्षण करता हूँ। जब यहाँ करके देखा तो आप देख सकते हैं नई बिल्डिंग बन के तैयार है, क्या जर्जर स्थिति बनी हुई है, भूसा रखा हुआ है, कहीं ताले लगे हुए हैं किसी और के, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि इस स्कूल को जल्द से जल्द हम चालू करा सकें। यहाँ पे हॉस्टल है, मतलब 150 बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हॉस्टल का भी इंतज़ाम है, और यहाँ की बच्चियाँ अभी कहीं दो रूम के क्लासरूम में उनको पढ़ाई करने मजबूरी हो रही है, आंगन में पढ़ रहे हैं। तो इतनी अच्छी बिल्डिंग होने के बावजूद भी अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो, हमारा मकसद सभी ग्रामीण का और हम सब लोगों का एक ही मकसद है कि यहाँ जल्द स्कूल शुरू हो, जल्दी बच्चियाँ आएँ, हॉस्टल शुरू हो और इस बिल्डिंग का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। तो इस मकसद में DM साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, माना है, और जिस तरीके से उन्होंने पूरा बिल्डिंग को खुद से निरीक्षण किया है और यहाँ के सबके कल्याण विभाग के पदाधिकारी को भी बुलाया, इंजीनियर को भी बुलाया है और आदेश दिया है कि इसमें जिस तरीके से भी हो सके जो आप इसमें तैयारी कीजिए, बजट हो तो बजट एलोकेट करके भेजिए, खुद बात करेंगे और मुझे लगता है वो अगर इंटरेस्ट ले लेंगे। अब मैंने सदन में भी, विधानसभा का सत्र पिछली मर्तबा चल रहा था, कई माध्यम से इस स्कूल के बारे में सवाल भी उठाया है और जवाब भी सामाजिक कल्याण विभाग से आया है। मुझे आश्वासन कि इसका टेंडर हम लोग कर रहे हैं कि जो इसका रंग रोगन या जहाँ फिनिशिंग की बात है उसको भी हम लोग जल्दी टेकअप कर लें।